जिला की खड्डों में नीमों को ताक पर रखकर हो रहा है खनन। हिमाचल प्रदेश सरकार बेशक खनन माफिया पर लगाम लगाने के दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि खनन माफिया किसी न किसी ढंग से खड्डों का सीना छलनी करने से बाज नहीं आ रहा है। हमीरपुर जिला के शुक्र खड्ड इसका ताजा उदाहरण है। इस खड्ड में शुरू से अंत तक 3 से 4 क्रेशर लगे हुए हैं और आए दिन इन क्रेशरों के मालिकों पर कभी मशीनों से तो कभी जरूरत से ज्यादा गहरी खुदाई कर खनन किए जाने की शिकायतें मिलती रही है। इस शुक्र खड्ड में जब हमने दौरा किया तो पाया कि खनन करने के लिए यहाँ 5 से 6 फुट गहरी खाइयां खोदी गई हैं। गनीमत ये रही है कि इससे नीचे मटेरियल उपलब्ध नहीं था, इसलिए और ज्यादा खुदाई नहीं की जा सकी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में खड्ड में कितनी अधिक खुदाई की गई है कि नीचे सपड़ीली जमीन तक नंगी दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, नियमों के अनुसार केवल 3 फुट या 1 मीटर तक खुदाई किए जाने की अनुमति है, लेकिन खनन माफिया निर्धारित मापदंडों को यहाँ ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। नियम ये भी है कि खड्ड पर बने पुलों के करीब खनन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस खड्ड में इस नियम की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।